बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। तेरा कॉम्प्लीमेंट सर आंखों पर, थैंक यू। ब्लॉन्ड यूरोपियन लेडी लग रही हैं आप। आई हाय। आपको तो पता है क्रिकेट पूरी दुनिया में लोग कितना प्यार करते हैं, कितना पसंद किया जाता है क्रिकेट को, और हमारे हिंदुस्तान में तो एक रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं। आदमी का सगा चाचा ताऊ सामने से आ रहा है ना, उसको नहीं पहचानते, क्रिकेटर को पीछे से पहचान लेते, मलिंगा जा रहा है, चल आप फोटो लेते, सीरियसली। और ये क्रिकेटर्स पर इतना हक समझते हैं ना, उनको निक नेम से बुलाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिखर धवन, अगर वो एयरपोर्ट पे जा रहा है पीछे से बुलाएं, ओ घबराए, सीएएसएफ वाले डर जाते हैं, डाकू आ गए। विराट कोहली जा रहा है उसको पीछे बैठा, चीकू ओ चीकू, लड़कियां भी चीकू चीकू बोल रही हैं, अनुष्का टेंशन में आ जाती है, चीकू तोड़ा मैंने है। खाने को सब दौड़ रहे हैं। ये खेल ऐसा है हर गली मोहल्ले में खेला जाता है, और लोग अपने अपने हिसाब से रूल भी बना लेते हैं, आपको पता है। अगर विकेट नहीं मिली ना तो लकड़ी का कोई फट्टा खड़ा करके ऐसे उसकी विकेट बना लेते हैं, वहीं पे खेलने लगते हैं। और अगर गली में खेलते खेलते बीच में सब्जी का ठेला आ जाए पीछे, चाचा अरे विकेट लिटा देते हैं, निकलना चाचा, चल चल चल, चाचा निकला फिर खड़े हो गए, चल 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 बॉल डाल। और कभी कभी क्या होता है, आप बॉल खेलने लगे बैन मौके पर रास्ते में भैंस आती है, वो आपकी पिच पे 2 पाउंड का केक करके जाती है गोबर। फिर ये बॉलर का टैलेंट है क्या? कि बॉल को गोबर से बचा के स्विंग करा के कैसे, और अगर बॉलर ढीला हुआ, हाँ। बॉल पड़ी केक पे, सारी टीम एक साथ उठा। कभी कभी बैट्समैन जैसे ही शॉट मारते ना, फील्डिंग के लिए 4 फील्डर एक साथ भागते हैं, जैसे बॉल गई नाली में सारे कहते हैं तू ले, फिर जिसने शॉट मारी उसको निकालनी पड़ती, वो बेचारा बैट से निकालता है, धो बो के साफ करके फिर किसी को ओवर करने के लिए देता है, वो लेते नहीं, नहीं मैंने तो अभी करवाई, तू कराना। कहीं तो मैंने इतने क्रेजी देखे, सड़क पे जाते जाते ना पता नहीं क्या दिमाग में आता है उनके, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, चलते चलते मार्केट में जाते जाते ऐसे कर देंगे, सामने भी कोई आ रहा होता ना वो भी ऐसे कर देगा, और कोई तीसरा आ रहा होगा वो कहेगा, और ऊपर से कोई ब्रश कर रहा है वो कहता, पता नहीं अपनी दुनिया है इनकी, क्रिकेट के हार्ड कोर फैंस है। कई बार तो संडे के दिन छोटे शहरों में देखना आप, एक ही ग्राउंड में ना 50 मैच हो रहे होते हैं, और इतनी ऐसे अलग अलग पिच बनी, सारे खेल रहे होते हैं, और जो बेचारे विकेट कीपर होते हैं ना उसको अपनी बॉल तो देखनी देखनी है, वो कंफ्यूज रहता है कि 4-5 आ रही मेरी वाली कौन सी है, है ना, वो बेचारा डिसीजन ले पाता, जैसे अपनी बॉल पे फोकस करता पीछे आके टच, एक ओवर में 8 गाली देता है फिर वो। और जो फील्डर खड़े रहते ना मैदान में, जो अपनी बॉल तो देखते हैं साथ में सबकी देखते रहते हैं, ये लोग बड़े होके प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लगते हैं, क्योंकि एक बार में 200 लोगों को देखते हैं ये। अच्छा, क्रिकेट मैच का इतना क्रेज होता है, स्टेडियम में तो लोग देख ही रहे होते हैं, कभी कभी देखना आप कैमरामैन ना स्टेडियम से बाहर कैमरा ले जाता है, 1.5-2 किलोमीटर दूर लोग पता नहीं कौन सी बिल्डिंग के छत पे खड़े देख रहे होते हैं, कहीं तो पेड़ पे चढ़ के, पेड़ पकड़ा हुआ है आम का, वो देख वो सचिन जा रहा है, दूसरा पूछता कौन, वो जो छोटा वाला, छोटा कहता कौन छोटा वाला, सारे छोटे दिख रहे हैं इतनी दूर से, साथ में रेडियो भी लगा रहा था ना, हाँ बोला उसने सचिन जा रहा है। बहुत ज्यादा क्रेज, मैंने कभी नहीं देखा इतना क्रेज। और आज मैं क्रिकेट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं ये क्रिकेट स्टार्स हैं, ये दोनों ही धुआंधार बैट्समैन हैं और इंडिया के लिए ओपनिंग करते हैं, तो चलिए आज के एपिसोड की ओपनिंग भी इन्हीं के साथ करते हैं, प्लीज वेलकम मिस्टर शिखर धवन एंड पृथ्वी शॉ। ओ हो, आइए बाजी, आओ आओ, ग्राउंड में तो आप ऐसे बैट पकड़ के जाते हो, यहाँ पे आके एकदम से खड़े हो गए पीछे, वो शुरू में थोड़ी शराफत दिखानी पड़ती है, शुरू शुरू में शराफत दिखाते हैं, बॉलर को भी दिखानी पड़ती है, उसके बाद आता गब्बर बाहर। पृथ्वी थैंक यू आप आए, थैंक यू सो मच, मतलब आए तो शिखर भी है पर बंदा स्कूल छोड़ के जो आए,
शिखर पाजी से तो मैं बहुत बार मुलाकात कर चुका हूँ, पृथ्वी से आज पहली बार ही, तो सीरियसली मुझे लगा कि पृथ्वी के साथ उसका कोई भतीजा आया, बाद में किसी ने बोला यही है पृथ्वी, इतना क्यूट, इतना प्यारा सा, अभी बहुत छोटा है पर काम बहुत बड़े बड़े किए। और शिखर पाजी के लिए भी जोरदार तालियां, भी हाल ही में अर्जुना अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, आप गौरव हो हमारे देश का। बड़ा मजा आता है जब भी मुलाकात होती है आपसे। और पाजी आप दोनों ही खूब चौके छक्के मारते हो, और जब भी आप चौका छक्का मारते हो वो बाहर लड़कियां जो रहती हैं बड़ी मेहनती बेचारी करती हैं, यहाँ पे चेयर लीडर तो नहीं है पर आपको कमी महसूस नहीं होगी, हमारे पास चेयर लेडी है एक। मैं क्या डांस करूं? और इनको हल्के में नहीं लेना, ये वही है जिन्होंने आप ही की फील्ड के एक वेटरन खिलाड़ी को आउट किया, उनको रन आउट किया है, वो बेचारे भागे भी नहीं थे। वो तो अपनी पैंट ठीक करने, ओ मैं क्या उतनी देर में लपक ली इन्होंने उनकी सीट। आप सब जानते हैं शिखर पाजी को पृथ्वी के बारे में कि ये कितना मजेदार धुआंदार खेलते हैं। पृथ्वी ने हैरिस शील्ड ट्रॉफी की एक इनिंग में ना 546 रन बनाए, अमेजिंग। 2016 में ये अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुए, उसके बाद कैप्टन भी बने, उसके बाद इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला। अच्छा उसके बाद तो आपको लगा होगा कि भगवान इससे ज्यादा और क्या देगा, पर भगवान बहुत बड़ा है। देखो आप इंडियन टीम में आ गए, उसके बाद आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको मेरे को साक्षात जिंदा देख के? मैं तो बहुत नर्वस हूँ, आई मीन क्या बोलूँ मैं अभी, मैं तो स्पीचलेस हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी लॉकडाउन के टाइम पे भी आपका एपिसोड देखते रहते थे। अच्छा। और इतना हंसते थे हम लोग, कैसे लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ बबल, बट मैं और शिकी भाई कुछ करके हम लोग मिल लेते थे और आपकी का एपिसोड देखते, हमेशा मजा आता है सैटरडे संडे जो होता है। और हमें बड़ा गर्व है आप पे। पृथ्वी उस समय 14 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने 330 बॉल पे 546 रन बनाए, तो आपको किसी ने बताया नहीं कि आगे चल के और भी मैच खेलने हैं? सारे इसी में बनाई जा रहे हैं। उस दिन क्या खा के गए थे पृथ्वी घर से आप? घी रोटी खा रहेगा, घी और रोटी, सब्जी कोई नहीं, घी खा के गए, सामने वाले को तेल निकाल दिया बेचारेगा। शिखर पाजी के बारे में बताऊं कि जब इनका टेस्ट डेब्यू हुआ था ना, तो इनको वीरेंद्र सहवाग पाजी की जगह खेलने का मौका मिला था, मैं राइट पाजी? बिल्कुल। और इन्होंने पहली इनिंग में अपनी 85 बॉल में इन्होंने सेंचुरी मार दी, तो उसके बाद वीरू पाजी ने आपको बधाई दी कि उनको टेंशन होगी ये लड़का तो सच्ची में खेल गया यार। क्या बोला उन्होंने आपसे मुलाकात की बाद में? हाँ मुलाकात हुई, वीरू भैया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, और वीरू भैया जिगरे वाले बंदे तो वो कोई इतना वो नहीं रखते, कहते हैं बहुत अच्छा खेला और अच्छा करता रहा गया, यही बोला। क्या बात। पृथ्वी ने ना एक बार इनके एक दोस्त है शिवम मावी, उनको एक ही ओवर में 6 चौके मारे, तो अभी भी है आपकी दोस्ती उनके साथ? बिगड़ गए रिलेशन सारे? नहीं नहीं अभी भी है, वो मेरे साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप हम लोग साथ में ही खेले। अच्छा। और जब मैच चला उसके पहले हम दोनों एक दूसरे को ये बोल रहे थे तू आराम से डालना मैं आराम से मारूंगा। अच्छा। वहां जाके भूल गए सब है? बट वहां पे जाके भूल गए। अच्छी बात है जब आप मैदान में हो फिर तो बस फिर आपका बैट है और आप, क्या बात है यार। आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है। शिखर पाजी। हाँ जी। यार एक मैंने अफवाह सुनी है, पता नहीं अब सही है कि नहीं, कहते हैं कि जब आप खेलने जाते हो तो आप अपने साथी खिलाड़ियों के मौजे मांग लेते हो। मांग लेता हूँ बिल्कुल, कभी जैसे मैं बैग पैक करके गया मैच में भूल गया जुराब लाना, मोस्टली प्रैक्टिस पे ज्यादा होता है। अच्छा ऐसा कोई सुपरस्टिशन नहीं है? नहीं सुपरस्टिशन। ओके ओके, तो मेरे को कोई बोला था कि उनको ऐसा मानना है कि मैं किसी के मौजे पहन के जाऊंगा तो मैं ठोकूंगा जाके। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जुराब भी मांगी है, स्पोर्टर भी मांगा है। अच्छा। मुझे लगा था कि आप कोई अंधविश्वास मानते हैं ऐसा कोई? ना ना, क्योंकि एक बार सिद्धू पाजी ने कहा था ना कि मैंने कपिल पाजी को देखा था, वो सूर को नमस्कार करते थे उसके बाद में ऐसे दंड बैठक मारते थे और फिर जाते थे। अब सिद्धू पाजी आपको पता लंबे चौड़े हैं, तो सिद्धू पाजी ने कहा कि मैंने भी ना कपिल पाजी की तरह सूर्य नमस्कार करना और दंड बैठक मारना, तो सूर्य को नमस्कार तो उन्होंने कर दिया, सूर्य ने भी आगे रिप्लाई किया, उसके बाद उन्होंने दंड बैठक मारी ना, इनके शटर खुल गए। सही बात है, तो कहते टर्र करके आवाज आई, तो उसके बाद मैं कहते मैं फिर ज्यादा नमस्ते करता नहीं किसी को, नमस्ते कर भी रहा मैं दंड बैठक नहीं मारता हूँ। शिखर तुम्हारा बेटा है वो देखता होगा तुम्हें, तो उसका भी कोई ऐसा टोटका है कि मैं ये करूंगा तो पापा यू नो ज्यादा रन बनाएंगे?
नहीं उसका अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, पर वो बीच में क्रिकेट खेलना शुरू हो गया था मेरे को देख के, तो जाता था तो मेरी बात कम कोच की ज्यादा मानता था, मेरे को खुशी होती थी चलो कोच की बात मानता था। वो भी अभी क्रिकेटर बनना चाहता है, उसको वॉरियर बनने का शौक है। वॉरियर? हाँ, तो वो अभी बॉक्सिंग सीख रहा है, एमएमए सीख रहा है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उनके बेटे का नाम जोरावर है, बड़ा प्यारा है, मैं मिला भी हुआ हूँ, और वो वॉरियर इसलिए बनना चाहता है, मैंने एक बार उससे बात करी थी। अच्छा। कहता है जब मैं क्रिकेटर बनूंगा ना तो कई बार क्रिकेटर्स के साथ गलत हो जाता है, जैसे कभी वो टीवी शो करते हैं तो कोई कोई लोग आके उनकी सीट हड़प लेते हैं, तो कहता है मेरे को वॉरियर बनना है। अच्छा। शिखर पाजी, इतनी बार मुलाकात हुई, कभी पूछा नहीं, जब आप होटल से स्टेडियम जाते हो तो जो बस होती है जिसमें सारी टीम बैठ के जाती है, उसमें आप बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बैठते हो कि या प्रीवियस मैच की जो परफॉर्मेंस हुई हो कि इसने सेंचुरी मारी ये विंडो सीट में बैठेगा? नहीं, सब एक रूटीन सा बन जाता है, तो सबकी अपनी सीट बन जाती है कि अच्छा मेरा होएगा, जैसे मैं पांचवें छठे नंबर की सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। ओके। किसी को पहले सीट पे बैठने का शौक होगा, कई ऐसे होते हैं कि दो तीन बंदे होंगे जिनको पहले सीट पे बैठने का शौक है, पर फिर वो सीनियरिटी आ जाती है कि कौन उसमें यंगस्टर को बहुत तकलीफ होता है। अच्छा। मैं जैसे नया नया गया था, मेरा डेब्यू था, तो मैं जाके लास्ट सीट पे बैठ गया। अच्छा। क्योंकि मैं एक्साइटेड था, पहला मनाश्ता वगैरह फटाक से किया, मैं लास्ट सीट पे बैठ गया। फिर पूजी भाई है मेरे पास, चेतेश्वर पुजारा। अच्छा अच्छा। तो मेरे को देख रहे थे एक मिनट तक, मैं भी उनको देख रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे कान में हेडफोन्स थे। तो फिर जब निकाला उन्होंने बोला मैं इधर बैठ, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता था, मैं चुपचाप खड़े रहा जब तक पूरी टीम बैठ नहीं गई, उसके बाद बैठा मैं। मैंने भी हटाया लड़कों को अपनी सीट से। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ। हाँ, होता है एक रिस्पेक्ट तो होती है कि सीनियर प्लेयर आए हैं तो वो बोल ही देते हैं कि बस वाली बात मैंने इसलिए पूछी, मैं कहा शायद बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बैठते होंगे या ऐसा। मैं फिर से ये सोच रहा था कि जिसकी एक दिन पहले एक मैच में अगर कोई जीरो पे आउट हुआ हो तो विंडो सीट तो अवॉइड ही करता होगा वो, बाहर मीडिया है। बिल्कुल। तो ये जो हेडफोन लगाते हैं सारे आप लोग, तो मैच शुरू होने से पहले अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हो कि बाद में फोन बंद हो जाएंगे तो अभी भी कर लें, क्या करते हो आप लोग हेडफोन लगा के? मैं तो गाना सुनता हूँ। अच्छा। जब तक ग्राउंड आते हैं तब तक कोई भी सॉन्ग एक। अच्छा, रिलैक्स होने के लिए। किस किस्म का गाना सुनते हैं? मैं रैप ज्यादा सुनता हूं। you know, जब तुम आए तो मैं बोलने वाली थी कि यू लुक लाइक अ रैपर आल्सो, यू नो दिस वेरी कूल हुडी। मेरे को छोटा हनी सिंह है। ये गाता भी बड़ा अच्छा है, रैप करके सुना। पृथ्वी चल फिर आ जा, सारे तो आते थे। पृथ्वी आ जा, सबसे छोटा तू है बेटा, जो क्वालिटीज है उसके वो पता लगना चाहिए। आ जाओ आ जाओ। शिखर बाजी माइक दे। कम ऑन पे। दोस्तों, आपने पृथ्वी शाह को ओपनिंग करते हुए बहुत बार देखा, बैटिंग करते हुए धड़ाधड़ स्कोर मारते हुए, आज आप देखेंगे इनको बहुत ही खूबसूरत आवाज में रैप। बहुत ही खूबसूरत आवाज के। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ यार, आइए आप। आइए आइए। एक मिनट, मैं प्रैक्टिस करनी है बैटमैन के साथ? नहीं, ऐसे ही गा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम तो अच्छा ही गाओगे, मैं उनकी प्रैक्टिस की बात कर रहा था। मैंने सुना है शिखर भी बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं गाता। हाँ, गाते हो तुम। नहीं नहीं, पर शिखर का एक और टैलेंट है, ये फ्लूट बहुत अच्छी बजाते हैं। तो अच्छा, हमारे पास अगर फ्लूट है तो प्लीज लेके आइए आज। देखो बाजी, आप रैप से सीधा फ्लूट पे मजा है बाजी, देखो प्लीज, क्योंकि आप पूरी दुनिया को एंटरटेन करते हो, ये सब चीजें एक्चुअली ये बड़ी जरूरी है अपने आप को सेल्फ एंटरटेन करने के लिए। ये लो। It's so difficult instrument, बहुत मुश्किल है। वाह, हमारा देश जो है ना, ऋषि मुनिया को देश ऐसे बोलते, इतना टैलेंट है। देखो आप कमाल के बैट्समैन क्रिकेटर तो हैं ये, लेकिन आर्टिस्ट भी अंदर से। बिल्कुल। पाजी, आपने यही गाना बजाया, आपको जगजीत साहब बहुत अच्छे लगते थे? हाँ जी, जगजीत सबको ही अच्छे लगते थे। क्या बात है बाजी, तो ये मतलब सुनते बड़ा सुरीला है। बहुत गाने मैंने देखे, एक तो पंजाबी हैं तो पंजाबी म्यूजिक बहुत सुनते हैं, पर बड़ी सारी चीजें आज मुझे पता चला जगजीत साहब के भी आप फैन हैं। वैसे कौन नहीं फैन, शायरी का भी बड़ा शौक है, तो शायरी भी आप खुद भी करते हो? पोएट्री नहीं, मैं रिसाइट करता हूँ, पर कभी कभी जब ज्यादा सुनता रहता था तब लिख लिए थे एक दो शेर जो मैंने अपने थे, वो मेरे को याद नहीं, पर वैसे मेरे को बड़ा शौक है। वाह, तो रिसाइट करते हैं तो एक अभी कर दीजिए। परो को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, हुस्न सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं लेकिन जो हमें शफा है आपको जो कल है, तो मिला है हुस्न, हुस्न की हिफाजत कर,
संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। वाह वाह, ये शकील आदमी जी का शेर है। राहत इंदौरी साहब की मुझे एक चीज याद आ गई, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठंडी है लेकिन नहाने का नहीं। मेरे को पूरा भूल गया था, मेरे को एक लाइन याद थी। राहत इंदौरी साहब, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, बहुत ही कमाल के शायर रहे हैं। अब शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई चीजें, नज़में, उनके शेर जो है वो सारी उम्र लोग पढ़ते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। एक बात महान खिलाड़ियों से पूछना चाहता हूँ कि जब मैदान पे खेलते हुए कभी आप निकल रहे हो ऐसा, और दूसरी टीम जो है वो स्ट्रेटजी बना रही है, तो आप जानबूझ के ऐसे तस्मा बांधने लगते हो लेसेस की, इनकी स्ट्रेटजी सुन लें? कोई ऐसा किया आपने, चलाकी मारी कभी? मैं सुनने के चक्कर में एक बार गार्ड भूल गया था आईपीएल के टाइम पे, तो कुछ बात कर रहे थे, शायद माही भाई बात कर रहे थे वो टाइम पे, तो मैं सुन रहा था उनका आवाज़ थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो उधर ही फोकस था थोड़ा कि क्या बात कर रहे, मतलब ऐसे ही कुछ, और नहीं था हम लोग खड़े थे रेडी, हम लोग दोनों ही रेडी हो गए थे, और मैं चला गया मेरा गार्ड मैं बाद में आधे रास्ते में जाके वापस गार्ड पहन के गया फिर। अच्छा कि गार्ड ले आए, नहीं तो आपकी सारी स्ट्रेटजी खराब हो जाती। की बात है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि बैट्समैन 20-30 रन पे बैटिंग कर रहा है, उसके बाद ध्यान आया कि वो गाड़ी पहनना भूल गया, फिर वो यार गार्ड भूल गया, वो शुक्र होता कि अभी तक लगी नहीं होती वहां, नहीं तो बंदा गया। जैसे आपका क्रिकेट फील्ड और हमारा यहाँ पे जो शो है ना, बड़ी सारी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे मैंने देखा कई बार ना, जैसे किसी आर्टिस्ट की एंट्री बड़ी अच्छी गई हो ना, वो पैकअप के बाद भी बैठा रहता है बाहर, मैंने सैंडविच मंगाया बस खा के निकल रहा हूँ, क्योंकि पता है कि चार लोग आएंगे तारीफ करेंगे, जिस दिन किसी की खराब हो जाए वो पीछे से निकलता है और वहीं के वहीं घर, फिर सीधा अगले शूट पे मिलेंगे। ऐसा होता है आपके साथ कि एक प्लेयर कोई मान लो जीरो पे आउट हो गया और उसके बाद सीधा आपको होटल अगले दिन ब्रेकफास्ट पे मिला हो, आपने कहा अकेले आ गए तुम? हुआ है सबके साथ, हुआ है ये। ऐसा भी हो, लड़का आउट हो गया तो उसने दीवार के सामने मुंह करके बैठा हुआ है। मैं गया, मैं देखा ये लड़का कर गया रहा, दीवार के सामने मुंह करके बैठा हुआ, पता नहीं अपनी दुनिया में खो गया। अच्छा। क्या आउट हो गया यार, मैं दुख मना रहा हूँ यहाँ पे दीवार के सामने मुंह करके। बड़ी बड़ी हरकतें होती है टीवी पे तो। पृथ्वी के पापा ने, हमने सुना कि 3 साल की उम्र में इनको क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करवा दी थी। अच्छा। तो उस समय आप फिर गार्ड पहन के खेलते थे कि डायपर पहन के? 3 साल की उम्र में, मतलब कैसे यार, सीरियसली? वो प्लास्टिक बॉल से स्टार्ट किया था, 1-1.5 साल बाद फिर उसका टेनिस बॉल से स्टार्ट किया। 3 साल की उम्र में आपको मतलब समझ आता था कि मैं क्या? नहीं, समझ नहीं आता था वो टाइम पे, जो डैड कराते थे वो अच्छा करता था, समझ आने लगा जब 6 साल का हुआ, 7 साल का, तब क्या होता है ये सब। पर कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा ना, डैड को काफी शौक था वो टाइम पे, हम लोग के यहाँ खाली एक ही टीवी मोहल्ले में लगने का, तो डैड यूज टू से कि वो जाने के वहाँ पे, जब सचिन सर तभी एकदम पीक पे थे, सचिन सर के दीवाने थे, आज भी है, वो टाइम पे भी थे, तो जब वो आउट हो जाते थे सब घर में वापस चले जाने कर वापस आने, ऐसे मेरे डैड बोलते थे, इतना मतलब उनको शौक था क्रिकेट का, और वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट ही खेलूं। अच्छा, वाह। पूरी दुनिया ना आप दोनों की फैन होगी, लेकिन कप्पू मेरा फैन है, मेरे आते ही मेरे पीछे पड़ गया। कप्पू कभी तो गेस्ट से अच्छे से प्यार से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दिया करो। ये लड़की है जैसे आपके क्रिकेट में होता है ना डेड बॉल, जिसको काउंट नहीं करते, वैसे हम इसकी बातों को काउंट नहीं करते, ये कुछ भी बोल के चली जाएगी। Never mind him. आप लोग क्या लेंगे, चाय कॉफी? तू ये पूछ, ठंड आ गई, आप लोग क्या देंगे, रजाई कंबल कोई? ये ऐसे करती बाजी है। वो जिन सनी देओल आए उनको कहती अगर आप अपने एक हाथ का दस्ताना मुझे दे देना तो मेरे दो बन जाएंगे। वो तो उनके हमारे घर वाले रिश्ते हैं, तो घर वाले रिलेशन कहां से, घर तो है ना तुम लोगों का। ये फिल्म सिटी के बाहर एक गैरेज है, उधर पुरानी गाड़ियां खड़ी रहती ना, तो ये डिक्की में रहती है। उस दिन एक कोरियर वाला आया, उसने बोनट खोल दिया, इंजन पे इसका चाचा लेटा हुआ था।
वो कहता है आप गलत ड्रेस पे आ गए हैं, ये वाला घर जो है ये डिक्की है। ये डिक्की उठा कहती भैया कितनी बार बताऊं आपको, क्यों करते हो ऐसे काम तुम लोग? कप्पू बकवास बातें मत किया करो, मुझे गैसे बात करने दो। वैसे मैंने देखा है कि क्रिकेट में ना हर ब्रांड का प्रमोशन होता है, तो ये है मेरा होटल, होटल चिल पैलेस, तो उसके प्रमोशन के लिए मैं कुछ लाई हूँ। ये है मेरा होटल चिल पैलेस ब्रांड, तो आप प्लीज अगले मैच में प्लीज इसके साथ खेलिए, तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। ये पृथ्वी की हाइट के लिए ठीक रहेगा। अरे तू ले ले। ये तू उनको दे रही है तो तेरी मम्मी डैडी के अंडरवियर कैसे धोएगी? पूरा खानदान इनका ऐसा है। देखो मेरा खानदान काफी रिस्पेक्टेबल है, मेरे चाचा जाने माने इंजीनियर हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका चाचा कैसा इंजीनियर है। इसके चाचा के घर में बेटा हुआ, उसका मुंह ना कसम से सैनिटाइजर की बोतल जैसा है। तो बाहर खड़ा रहता है, कोई भी मेहमान आए तो मेहमान आता है उसके पैर पे पैर मारता है, फिर वो ऐसे करता है और फिर एक इसके चाचा की बेटी भी है, उसका हाथ मरोड़ो उसके कानों में से निकलता है। क्यों करते हो तुम लोग ऐसे काम? I'd love to meet them. देखिए आप लोग प्लीज इसके बातों पे ध्यान मत दीजिए, हम बस साथ में कोलैबोरेट करते हैं, देखिए मार्केट में हल्ला हो जाएगा। पहले जब तुझे पता है वो बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। हां तो भूरी भी बहुत बड़ी ब्रांड है, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यशराज का कॉल आया था मुझे। यस और पारी उस दिन रानी मुखर्जी आई यहां पे, वो कहती है आप टेस्ट करेंगी, खाना खा रही थी वो, इसने खाया उन्होंने टेस्ट किया फिर सारा खाना खा गई। उसके बाद उनको रोज फोन करके पूछती है अगर आपके फ्रिज में मछली है तो मैं आऊं लेने। क्यों करती है ऐसे काम? अर्चना मैं मछली मैं खा रही हूँ, कांटे किसी और को चुभ रहे हैं। आप देख रही हैं? वैसे देखिए मुझे ना आप दोनों से एक छोटा सा हेल्प चाहिए। वो क्या है ना, मैं एक क्रिकेटर से शादी करना चाहती हूँ। तो अगर आप डक क्रिकेटर... लुईस की डक जैसा अगर तेरा मुंह है तो जरूरी नहीं थी तेरी क्रिकेटर से शादी हो, कोई है तेरा लेना देना क्रिकेटर के साथ? ऑफ कोर्स है, मैं चीयर लीडर रह चुकी हूँ। सही सही बता, चिल्लर लीडर। शादियों में दूल्हे का बाप चिल्लर नहीं उठाता ऐसे करके। इनका सात लोगों का गिरोह है, सात औरतें हैं, अगर घूंघट उठाओगे तो अंदर से आदमी है। एक इसका ताऊ, इसका चाचा, एक फूफा, पिताजी भी हैं साथ में। मान लो इस तरफ से पांच का नोट आया तो एक तरफ एक रुपए का सिक्का, तो ये दोनों पकड़ लेती है। मैं मेरे दोस्त है, मैं उनको सब सच सच बताऊंगा। देखो मेरे पापा ना गली क्रिकेट के चेयरमैन रह चुके हैं, तुम बकवास मत बोलो। चेयरमैन चेयरमैन कोई नहीं, लकड़ी की कुर्सियां होती हैं, उनकी टांगे ठीक करते हैं, वो चेयरमैन नहीं होता है। तूने आज तक कुछ खेला है? जी हाँ, मैं चेस में चैंपियन हूँ। चेस में चैंपियन, बड़ी आई है। उस दिन शतरंज खेलने लगी, उसको देखी वो ये घोड़े को हटा के कुत्ता डाल सकते हैं इसमें। आई एम अ डॉग लवर। वो घोड़ा चने खा रहा था, करता सारे चने फूंक के गया। गोल्फ खेलने के लिए किसी ने बुला लिया, ये पहले पहुंच गई, सारे गड्ढे भर दिए इसने। दूसरा आदमी आ गया, ये क्या हुआ? कहती नहीं मैंने सोचा कहीं बॉल गड्ढे में ना चली जाए। ओए रब्बा, आपको मैं ऐसी लगती हूँ? सीरियसली ऐसी लगती हूँ? ये तो कुछ भी नहीं है, एयरपोर्ट पे चलेगी, बहुत बड़ी वो वॉल क्लॉक नहीं लगी होती। तो उसको देख कहती हे भगवान, यहाँ तो 12 से 1 बजने में 3-4 घंटे लगते होंगे। क्या बुरी। शिखर आप प्लीज इस पे ध्यान मत दीजिए। इस पे ध्यान दो सारा। बिल्कुल यू आर करेक्ट, पहली बार कुछ सही बोला है। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो इसलिए मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, तो आपकी इजाजत से अर्ज किया है। इरशाद, जो खेल में अपना स्वार्थ देखे वो अनाड़ी होता है। जो खेल में अपना स्वार्थ देखे वो अनाड़ी होता है, जो लहरा दे परचम है वतन वो खिलाड़ी होता है। और इसके बाद जो 125 रुपया बनेगा वो इसका दिहाड़ी होता है। और जो ट्रेन में सफर करता करता भी पैसे कमा ले वो इसके पिताजी जुगाड़ी होता है। ये तो मुझे आप लोगों से बात करने देगा नहीं, तो मैं आप लोगों से बाहर मिलके फुर्सत में बात करती हूँ। आई एम गोइंग आउट। पृथ्वी आप अपनी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, शिखर पाजी आप भी अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, कभी आपने कमेंट्स पढ़े नीचे?
बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं. हमारी ऑडियंस इतनी फनी हो गई है, हमारे देश के जो नागरिक हैं इतने मजेदार कमेंट्स करते हैं. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज. दिल्ली की सर्दी में धूप सेकने का और चाय पीने का मजा ही अलग है, शिखर पाजी ने पोस्ट किया है. तो नीचे कमेंट्स पड़, अच्छा बांसुरी भी है, बांसुरी पड़ी है बाजी. क्या बात है यार, ओए होए, सर्दी में चाय पियो बांसुरी बजाओ, वाह यार पोजे कलाकार हो आप. है नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं क्या क्या है. शिखर भाई खाली टाइम में आप सांप भी पकड़ते हो क्या? सांप नहीं है, छत्ते से शहद निकालेंगे. भाई ये बांसुरी बजाते हो या पीठ खुजाने के लिए रखी है? तो भाई लोग जिसने भी ये कमेंट किया है आपने देख लिया होगा कि शिखर पाजी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं. सर्दी में मजे लेने के लिए और भी तरीके हैं, जानने के लिए संपर्क करें. और दिखाइए सर. ज्यादा सुबह सुबह घास पे मत बैठा करो, ओस से दोनों डिब्बे गीले हो जाते. तभी तो धूप सेक रहा था. लगता है आपको गार्डनिंग का शौक है. तो ये बताओ, मनी प्लांट अगर शराब की बोतल में लगाएं तो सीधी सीधी बढ़ेगी या टेढ़ी टेढ़ी? क्या सवाल है भैया. और दिखाइए. पृथ्वी शॉ, इट इज नॉट वेयर यू केम फ्रॉम, इट्स वेयर यू आर गोइंग दैट मैटर्स. वाह ट्रू ट्रू ट्रू. क्या बात है. कमेंट्स दिखाइए. मैं इतना गरीब हूं कि मुझे ये भी नहीं पता लग रहा कि ये बैठे कहां हैं. ये मुंबई का कोई बार अनी रेस्टोरेंट है. अबे ये प्लेन है, रिप्लाई भी करते हैं लोग. हमारे ऑटो वाले ने भी ऐसी ही नीली लाइट नीचे लगाई हुई है. और दिखाइए. फोटो खिंचवाने के बाद अब ये वापस इकोनॉमी क्लास में ही जाके बैठ जाएंगे. मैं भी ऐसा ही करता हूँ. भाई थोड़ा सा ध्यान से, ये इंडियन टीम के प्लेयर हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम. बिल्कुल. पृथ्वी भाई अलग अलग अकाउंट से खुद तारीफ ना करें. और दिखाइए. माई सॉर्ट ऑफ मैथ्स सीप. सीप, हाँ सीप बड़ी देर बाद सुना मैंने. बट सीप को क्या बोलते हैं हिंदी में? सीप बोलते हैं. वैसे जो स्किन का नाम है इंग्लिश में स्वीप. स्वीप, ओके ओके. स्वीप, अच्छा. पंजाबी में कहते हैं सीप. सीप लाती. चलिए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं. सीप लाती फिर. कौन कहता है आप गब्बर हो, आज तो आप शकाल लग रहे हो. लगता है पुरानी आदत गई नहीं, आप भी गमछा बिछा कर ही पत्ते खेलते हो ताकि छापा पड़े तो उठकर भागने में आसानी हो. एक्चुअली ये बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है किसी की. बाहर लोग जुआ खेलते, रुमाल पे खेलते हैं, पुलिस आ जाओ तो यहीं से उठा के भाग. ये सही है, 35 रुपए की चाय मंगा के 2 घंटे एसी का मजा ले रहे हो. और दिखाइए. वेटिंग फॉर माई फूड लाइक. ओके दिखाइए कमेंट्स. ये कहाँ की फोटो है? ये मैम बैंगलोर 2019 का है. अच्छा. भाई आप भी मैनेजर के साथ फोटो खिंचवा कर डिस्काउंट मांगते हो? ये सिर्फ लड़कियों के साथ चलता है. आप कितनी भी क्यूट शक्ल बना लो, पैसे पूरे ही देने पड़ेंगे. पृथ्वी भाई होटल वाले को इतना क्या देखना, नहीं पहचान रहा तो नहीं पहचान रहा, पैसे देकर खा लो. आपका ये रेस्टोरेंट भी मेरे अकाउंट की तरह है, बिल्कुल खाली. ये ओपनर हैं, रेस्टोरेंट में भी सबसे पहले पहुंच गए. और दिखाइए. सन सैंड सी रिफ्रेशिंग एंड रिचार्जिंग विद द टीम. क्या बात है पाजी, क्या फिटनेस है आपकी. वेयर इज दिस फोटोग्राफ फ्रॉम शिखर? दुबई. दुबई आईपीएल. आईपीएल. अर्चना जी ने इसलिए पूछा, ये भी पानी के रास्ते आती ना, और आप तो ऐसे चला रहे हो ना, तो मैं इनको बता ही दूं. बता दे, बता. इन्होंने 2 छोटे मगरमच्छ रखे हुए हैं. तीन है बेसिकली. उसी मगरमच्छी ने बच्चे दिए 2. बड़ी मगरमच्छी जो है तो ये उस पर खड़ी हो जाती है और 2 को हाथ में पकड़ती है. ये वोट के पैसे नहीं देने, 6 रुपए टिकट लगती, नहीं लेती. वो दोनों मगरमच्छों को ऐसे घुमा के ना बड़ी तेजी से आती है. दिखाइए कमेंट्स नीचे.
खाली टाइम में समंदर की मछलियों को गिनते हुए कितनी मेल है कितनी फीमेल। रिप्लाई किसी ने किया, नहीं भाई समंदर में अपने कपड़े ढूंढ रहे हैं। किसी ने लिखा, आई थिंक ये वाइपर लेके समंदर साफ करने निकले हैं। मैंने बहुत जूम करके देखा है, आपने बॉस का कच्छा पहना है, फिर आपके बॉस ने किसका कच्छा पहना है? दिखाइए। और थैंक यू सचिन सर फॉर द लवली डिनर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू सर, वाओ नाइस पिक्चर। इस फोटो में और छोटा लग रहा है पृथ्वी। सचिन से भी छोटा। कमेंट्स दिखाइए जरा। आपको खाने पे बुलाया या आप खाने के टाइम पे पहुंचे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन सर ने खाना ज्यादा ऑर्डर कर लिया फिर आपको बुलाया हो? जो भी हो, खाने का बिल तो सचिन सर ने ही दिया होगा। तो कैसे कैसे डिटेलिंग में जा रहे हैं लोग। और दिखाइए, सब भूखे हैं जो जिन्होंने लिखा है। बिल कौन देगा, खाने पर नहीं बुलाया। पृथ्वी भाई ये बहुत पैसे वाले हैं, खाने में चांदी के लड्डू ऑर्डर कर लो। नहीं तो 2000 रुपए ही मांग लो, मुझे दे देना। सब भूखे नंगे। कमेंट हो सके तो आते हुए इनका छोटा वाला तौलिया ले आना, ऑक्शन में लाखों का बिकेगा। वाह। और दिखाइए। बस बड़ा मजा आ रहा था देख। ओह शिखर बाजी, यार क्रिकेट की जो दीवानगी है वो तो आप, मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लोगों के ना बड़े मैसेजेस आते हैं कि शिखर आ रहे हैं, पृथ्वी आ रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं, और आपके फेलो क्रिकेटर्स के बारे में भी, आपके बारे में भी। तो ये कुछ सवाल हैं जनता के। बोलते हैं कि जब आप सब मैच खेलने जाते हो तो कई ऐसे होते हैं ना टीम में कि हर एक चीज़ की अपडेट देते हैं बीवी को या गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करके कि मैं ये कर रहा हूँ, बस अभी निकलने में भी। ऐसा कौन है आपकी पूरी टीम में जो ऐसा करता है? मैं क्या करता था पहले, मतलब नॉर्मल जैसे बस से जा रहे हैं। हाँ। तो एक पिक्चर भेज दी। हाँ। मैं तो डैड को करता था, अपडेट देता था। तो आप डैड को ही करोगे, और कौन है भाई? मतलब गर्लफ्रेंड तो है नहीं, बीवी तो है नहीं। गर्लफ्रेंड है वैसे पृथ्वी आपकी? नहीं। सही सही बताओ। नहीं नहीं। सही सही। तो ये होटो पर ये क्यों किया फिर? थोड़ी सी तो होगी। इतने बड़े स्टार हो गए ऐसे कैसे? मतलब अभी टाइम है, अपना टाइम आएगा। सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन यूज करता है टीम में? श्रेयस करता है थोड़ा। अच्छा, ओके। सबसे ज्यादा वहमी कौन है, सुपरस्टिशियस कौन है? पुजारा जी। अच्छा, क्यों, क्या करते हैं वो? वो मतलब जब भी मैच होता है ड्रेसिंग रूम में अपना जगह लेके सब कुछ ग्लव्स यहाँ पे एकदम सेट करके रखेंगे। अच्छा। बैट और हमेशा वैसा ही दिखता है उन्हें, क्या वो भाजी लगते हैं बराबर एकदम एक इसमें जोड़ी में। हाँ। तो एक ग्लव्स इधर, एक ग्लव्स इधर, बैट उधर रहेगा, पैड्स यहाँ पे रहेगा, सेम ऑर्डर में हर बार, सेम ऑर्डर में। अच्छा, प्रैक्टिस में अक्सर लेट कौन पहुंचता है? नहीं कोई भी, लेट कोई भी लेट नहीं होता। वाओ, अगर लेट होएगा तो छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ के 5-10 मिनट वेट करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर वो अपने आप आएगा। क्या बात है यार, वो डिसिप्लिन काफी रहता है, दैट्स द टीम स्पिरिट। अच्छा, सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? किसी भी कंट्री में खेलने गए जो पैसे निकाले, अरे भाई मैं तो एक्सचेंज कराने भूल गया डॉलर, ऐसा कौन है? मैं नाम बोल, जड्डू। अच्छा, कंजूस है बहुत। क्या करता है वो, क्या कैसे? मतलब मैं कैसे बताऊं कि खाना नहीं, इतना ही बोलूंगा। बैठे तो एकदम जब बिल वाला आता है तो दूसरे देख लेता है ऐसा बंदा ना कि उधर से बिल आ रहा है, तो आदमी उठ के हाथ धोने निकल जाता है। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और फिर बाथरूम खोल के धीरे से देखता रहता है, हो गया बिल है ना। मैं रणजी खेलने के लिए जब गया था तो मैं यंग छोटा था, तो रणजी ट्रॉफी में मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, तो यही होता था, डिनर पे बैठते थे सारे, अब बिल देने की बारी तो टॉयलेट चले जाते थे। अच्छा। तो हम तो छोटे थे, हमें पता ही नहीं लगता था, तो पर जो दूसरे सीनियर थे उन्हें पता था कि ये वो पैसे बचाने के, तो बड़ा ऐसे चलता रहता था। अच्छा, कैच छूटने पे सबसे ज्यादा बहाने कौन मारता है कि भाई आ गया था बस, वो मेरा अंगूठा ऐसे हो गया, नहीं तो ये तो पकड़ ही लिया था मैंने। ऐसा कुछ बोलता नहीं है फील्ड पे, बट वो कैमरा वाले बार बार दिखाते रहते ना, तो ऐसे ही रहते हैं मुंडी यहाँ से, कौन देख रहा है, बड़ा स्क्रीन लगा रहता है, छुप भी नहीं सकते कहाँ पे। एक्चुअली बड़ा मुश्किल हो गया आजकल बहाना मारना। सबसे ज्यादा डराता कौन है कि भाई वो एक आया नया बॉलर, ऐसे भी होते ना कई साथी जो डराते बड़ा है?
ईशान किशन बहुत करता है क्या? अच्छा वो क्या बोलता है? वो जैसे आपने एक्सेंट में बोला ना भाई, वो बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा। सबसे ज्यादा सोता कौन है जिसको कहीं पे भी नींद आ जाती हो? रोहित भी काफी ज्यादा सोता है ना। एक्चुअली विराट पाजी ने भी बोला था वो कहीं पे भी सो जाता है, खड़ा भी सो जाता है। कोई ऐसा है जो अकेले सोने से डरता हो? नहीं, सबका सिंगल रूम होता तो अकेले ही सोते हैं सारे। अपनी तरफ से तो एक एक ही जाता रूम में, आ गया मैं क्या पता। मैं देख रहा हूं स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, और मैं देख रहा हूँ बॉलर बॉल लेके आए, बॉल फेंका, कैच हो, एक विकेट का नुकसान। उधर एक विकेट का नुकसान हुआ है, इधर आप आए हो हमारा एक मिनट का नुकसान हो गया। बंद करो आप ये अपनी कमेंट्री। कपिल ये क्या कर रहे हो मेरी बेइज्जती उनके सामने? कभी तुम मुझे गाना भी नहीं गाने देते, कमेंट्री भी नहीं करने देते, ना मुझे तुम कार खरीदने देते हो। कार खरीदने से कब रोका मैंने? ये दो चीजें जो तुमने मना की है ना, ये करूंगा तो कार आएगी ना। अरे अर्चना जी नमस्ते। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। ये लोग आए इसलिए? नहीं मैं आया हूँ। मैं देखो मैं टीवी पे बड़े दिन बाद आया हूँ, ये तो टीवी पे आते रहते हैं। अरे छह छह घंटे टीवी पे आते हैं ऐसे, और जो बीच में एड आती है उसमें भी यही आते हैं, जोरदार तालियां। शिखर भाजी। हाँ जी। पृथ्वी ये इस आदमी को इग्नोर करना है, दूर के चाचा जी हैं मेरे। बेटे तू गिल्टी क्यों फील करता है मेरी वजह से? इसमें तेरा थोड़ी कसूर है कि मैं दूर का हूँ, वो तो मेरे मम्मी पापा का कसूर है ना, दूर जाके पैदा किया है। खैर अर्चना जी, मन बड़ा खुश होता है जब अपने शहर से कोई आता है ना। ये आपके शहर से कहाँ है? नहीं नहीं जब अपने शहर से, जैसे ये अपने शहर से आए हैं। शिखर जी ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। आपको कैसे पता? पृथ्वी से जुड़े हुए। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये नहीं कि ये सामने बैठे हैं तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, ये सच है। क्रिकेट में अगर मैं किसी का फैन हूँ तो अर्चना पूरन सिंह जी का। ये कहाँ क्रिकेट खेलती हैं? नहीं खेलती तो फिर सिद्धू जी को कैसे आउट कर दिया? बेटे मैं सच्ची बता रहा हूं, आज मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूं आपको देख के। मेरे पिताजी का सच्चा सपना था कि मैं बड़ा होके क्रिकेटर बनूं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी आंखों में मिर्ची डाल देता था, ना ये सोए ना ऐसे सपने देखे। क्योंकि मेरा सपना था मैं बड़ा होके सिंगर बनूं। लेकिन सिंगर तो आप बने नहीं। क्योंकि पिताजी मेरी आंखों में भी मिर्ची डाल देते थे ना, कि ना मैं सोऊं ना मुझे सपने हैं सिंगर बनने वाले। अच्छा। इस वजह से एक साल तक हम फीका खाना खाते रहे हैं, क्योंकि मिर्ची तो हम सारी आंखों में यूज कर लेते थे। मुश्किल हुई ये, बस यही सब फालतू बातें करते रहते हो, कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते आप? कपिल बेटे भूल गया तू, एहसान भूल गया चाचा के। जब बचपन में इसको नींद नहीं आती थी ना, तो मैं इसको लोरी सुनाता था। अच्छा। मुझे नींद इसीलिए नहीं आती थी आपकी लोरी सुनते। सो रहा होता था तो उठा उठा के लोरी सुनाते थे। अजीब सी हरकतें करते हैं। मैंने कहा बल्ब जग रहा है उसको बुझाओ, जाके पानी फेंक के आगे। तो मैं क्या करूं, फूंक मारने से वो नहीं पूछता। मैंने पहले कहा अर्चना जी मेरे से वो काम करवाओ जो मुझे आता है। मतलब आप चाहते हैं हम यहाँ पे बिस्तर डाल के आपको सुला दें? चाचा को सिर्फ सोना नहीं आता, चाचा को उठना भी आता है। जब सुबह उठते हैं लोग, उठते ही बाथरूम आता है ना, ऐसे मुझे उठते ही गाना आता है। अच्छा। पर जिनको गाना आता है वो तो कहते हैं आपको आता ही नहीं है। तो जिनको आता है उनसे पूछते क्यों हो? देखो सर, आप मुझे क्रिकेट में ले लो, मैं वहां पे गाना गाऊंगा, और ऐसा गाना गाऊंगा मेरा गाना सुन के मेरे साथ वो चेयर रिजर्व नाचेगी ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ सचिन तेंदुलकर जी सन्यास छोड़ के वापस आ जाएंगे। वो तो वापस आ जाएंगे। हाँ। जो बाकी के 11 प्लेयर सन्यास ले लेंगे उनका क्या? नहीं 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 देखो मेरी कमिटमेंट यही है कि उनको वापस लाना, बाकी आपकी जिम्मेवारी, इसमें मैं नहीं आता। पर सर
आप मेरी एक कंफ्यूजिंग दूर कर दो. क्या क्या कंफ्यूजन है? मुझे ये नहीं समझ आती. मान ले कपिल मेरे को चोट लगी. हाँ. मैं चिल्लाऊंगा कि तू आप बस बात खत्म. मैंने देखा है बॉल लगती है बैट्समैन के पैर पे. हाँ. और चिल्लाता है बॉलर और एम्पायर को पूछते हैं क्या हुआ. अरे जिसको चोट लगी उसको बेचारे को पूछो. चाचा जी आपको पता है कुछ क्रिकेट का? आ गए आप मुंह उठा के. हाय हाय मेरे को नहीं. जिसको गाने का पता है उसको क्रिकेट का नहीं पता. ये सेम होता है. क्या सेम होता है? देखो क्रिकेट में भी भागना होता है गाने में भी भागना होता है. गाने में कहां भागना होता है बेटे? तू गाता है सुर में. तेरे को आती है बातें कभी मेरे जैसा घास जय पे फिर देख जब मारने आते तो कितनी तेज भागना पड़ता है. अर्चना जी मेरा शो था ऑडियंस ऐसे खचाखच भरा हुआ था हॉल. मैं गा रहा था उनको किसी को पता चल गया होगा कि ये बेसुरा आदमी है. किसी को? वैसे तो दो तीन घंटे जब मैं गा लेता हूँ बाद में पता चलता है. उस दिन पता नहीं कैसे पता चल गया. मारने के लिए आ गए मेरे को मारना शुरू कर दिया उन्होंने. फिर क्या? देखो पहले 5 मिनट तो मुझे दर्द हुई जो सच्चाई. उसके बाद मैं बेहोश हो गया. लेकिन मैंने एक चीज वहां से सीख ली. क्या? कि पहले मिनट में बेहोश हो जाना चाहिए. पता क्या था? जब चिल्लाना शुरू करना बचाओ बचाओ और मारते हैं. हेलो. अरे क्या है? मैसेज आ गया. क्या? किसका? सचिन तेंदुलकर साहब का. क्या लिखा है? कहते ये जो आदमी टीवी पे आ रहा है इसको निकालो मेरे बच्चों ने टीवी देखना. नहीं नहीं मैं इनका फैन हूँ. कोई नहीं जाएगा यहाँ से. उन्होंने आपके बारे में लिखा है. अच्छा इनको. अच्छा अच्छा वो जिस दिन शो था वो चीफ गेस्ट उन्होंने सुना होगा. फिर कोई बात नहीं मैं चलता हूँ. उनको बोल देना मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक. आप हमेशा जीते रहे हमारे देश के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पाजी मैंने एक चीज देखी है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं स्पेशली हमारे शो पे बहुत बार ऐसा हमारा सौभाग्य है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स को मिलने का मौका मिला. इन लोगों में ना आपस में एक तो खुले बहुत होते हैं. कोई डिप्लोमेट आंसर नहीं होता इनका कोई, है ना. और जो जूनियर होते हैं वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं. जो सीनियर होते हैं वो जूनियर से प्यार बड़ा करते हैं. तो एकदम फैमिली की तरह होता है. सो आपको मैं आपके कुछ फेलो क्रिकेटर्स की पिक्चर्स दिखाऊंगा. हाँ जी. ये है कि उनके बचपन की पिक्चर्स हैं. अच्छा. आपको पहचाननी है कौन है. दिखाइए जरा. अजिंक्य रहाने. वो कराटे करता था. करेक्ट आंसर. वो शक्ल से भी तो लग रहा है. और दिखाइए. ये तो मुझे अनिल भाई लग रहे हैं. कौन? हाँ ये अनिल कुंबले सर हैं. और दिखाइए. ये कौन है? ये वाओ. क्या ही पहचान. कितने क्या ही पहचानूंगा. ध्यान से देखो पहचान जाओगे. वैसे शिखर पाजी गौर करो आप. बहुत पहले के दादा. आप पहले पाजी? की बात नहीं है. बात ये है कि बच्चे के नैन नक्श जो होते हैं सारी उम्र रहते तो वही है. मूछ दाढ़ी आ जाती है वो अलग बात है. और ध्यान से देखो कौन है. मिष्टी दही जैसा बच्चा. दादा दादा सौरभ. हाँ ये सौरभ गांगुली साहब की फोटो है. अब लग रहे ना दादा. क्या बात है. क्योंकि लैंडलाइन तभी आते थे जब वो बच्चे थे. पृथ्वी बच्चा था तब तो मोबाइल शुरू हो चुके थे. और दिखाइए. राहुल भाई की एक्चुअली मैंने देखा. मैं कभी पर्सनली कभी नहीं मिला पर मैंने देखा वो बचपन में और जब बड़े हो गए तो ज्यादा फर्क नहीं है. नैन नक्श सेम ही उनके. बिल्कुल. और दिखाइए. इरफान के साथ. ये तो इरफान भाई हैं. उनके साथ कौन है? शुभमन गिल लग रहा है. हाँ करेक्ट आंसर. शुभमन गिल. शुभमन गिल. पृथ्वी ने एक को भी नहीं पहचाना. मैं बोलता शुभमन गिल. अपनी दुनिया में मस्त है अभी. और दिखाइए. ये वो बच्चा है कि अगर इस बच्चे का नाम नहीं रखा जाता तो मेरा भी ना होता नाम. कपिल पाजी है. वाह यार बड़े प्यारे लगते मेरे को. सो क्यूट ही लुकिंग. वी लव यू कपिल पाजी. और दिखाइए. विराट जी. सेम जैसे राहुल द्रविड़ वैसे विराट भी देखो. विराट यस. है ना. सो क्यूट. और दिखाइए. रोहित. नहीं.
ये कौन है? सहवाग। ये वीरूपा जी हैं? वीरूपा जी, वीरेंद्र सहवाग। ओ हो हो, वाह, बड़े क्यूट लग रहे हैं। हाँ सर, लग नहीं रहा ना बिल्कुल भी। क्या बात, और दिखाइए। ये बताओ, नेक्स्ट बड़े, यू नो और वी हैव टू टेल? ना, नो, कान से शास्त्री अजीत अगर का? नहीं, ये हमारे स्टार क्रिकेटर युवराज पाजी हैं। ओ, यूवी पाजी हैं? या यूवी पाजी हैं। क्या बात, ये तो पता है। अर्चना जी, इंसान खाने के लिए भागता है। आज हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे जिसमें खाना भागेगा और आप पीछे पीछे भागोगे। खाना भागेगा तो प्लीज लेके आया जाए जरा। शिखर भाजी, ये देखो, ये आइटम आपने कभी देखी पहले? ये क्या है यार? अच्छा, खाना, ये सिल्वर फॉइल में कुछ खाने की चीज लिपटी हुई है। भाजी देखो आप, क्या क्या करवा रहे हैं आप दोनों से। युगांडा के महाराज लग रहे हैं आप। तो शिखर भाजी, हाँ जी, आपको काला अंगूर खाना है? चलो, हाँ करो। कैसे खाओगे? यार मेरे सर, मेरे तो आई नहीं रहा। ओके पृथ्वी, अब आपकी बारी। आपको बेर खाना है? यार पहली बार आया पृथ्वी, तंग नहीं करता। चलो बेर कैंसिल कर देते हैं, काले अंगूर खा लो। अरे चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। एक मिनट, आएगा आएगा आएगा। But you know what शिखर did ना? शिखर भाई एक्सपीरियंस है। इस चीज में एक्सपीरियंस? रुक। Make it move front and back। टच नहीं कर। यार ये गलत बात है। पारी चीटिंग की है। कैमरे में दिख गया? हाँ दिख गया, हमारे यहाँ भी चारों तरफ कैमरे लगे हैं। ओके शिखर भाजी, खुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं, कहते मैं ये खाऊंगा। ये तो आपने निशाना बांध लिया पूरा। ओके चलो ये खा लो, आपकी मर्जी। ग्रीन कैंडी है ना? ग्रीन कैंडी वाला धागा बहुत छोटा है। ओले, वो आपस में बिछ गया। हाँ खाओ। अंगूर और कैंडी दोनों साथ साथ। धागा छोटा नहीं है ना? ग्रीन वाली वही कैंडी जो आपने बोली थी। गया बीच। ओए ओए। हमारे विलेन ना रंजीत साहब, उनके एक्सप्रेशन दिए शिखर ने कहा था। टच किया हमने, बोला था टच कर गए तो ठीक है। पारी ठीक है, दो बार ट्राई किया, दोनों बार ही जीते। उसने एक बार किया पृथ्वी ने, वो भी चीटिंग। पृथ्वी अब जेन्युइनली स्ट्रॉबेरी खानी है आपको। ऑन योर राइट। थैंक यू भाजी, बहुत सीनियर प्लेयर ने बहुत दिल से खेला, छोटे ने थोड़ी चीटिंग की है। धन्यवाद। ये उतारना भी है पृथ्वी। तो दोस्तों नया साल आ चुका है, हर कोई बंदा एक रेजोल्यूशन लेता है, इस साल मैं ये करूंगा, मैं जिम करना शुरू करूंगा, या मैं नॉन वेज छोड़ दूंगा, या मैं ये करूंगा। पृथ्वी आपका कोई रेजोल्यूशन है नए साल को लेकर? अभी तक तो सोचा नहीं है कुछ। एक साल और बड़े हो जाओ।
I mean, जैसे शिकी भाई कर रहे, I think मैं भी आगे जाके ऐसे ही कुछ करूंगा, इन लोगों की हेल्प जितना कर सकूं. स्वीट, नाइस, गॉड ब्लेस यू ब्रो. और हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद है, आप लोगों का कोई रेजोल्यूशन है नए साल का? आप लोग जी मैम. हेलो कपिल सर. हेलो जी. हेलो एवरीबॉडी, इट्स रियली रियली नाइस टू बी हियर. थैंक्स. मेरा नाम रागिनी है और मैं लंदन से आई हूँ. ओह माय गॉड. और मैं आप सबकी बहुत बड़ी फैन हूँ. शुक्रिया. बट स्पेशली योर्स. मैं एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हूँ, बच्चों की साइकाइट्रिस्ट. अच्छा जी. सो मेरा सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर है आपका शो देखना. थैंक यू. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. शुक्रिया, शुक्रिया. अच्छा, मुझे साइकेट्रिस्ट पता है, पर ये बच्चों के लिए भी साइकेट्रिस्ट होते हैं? हाँ जी. माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? क्या ऐसी हरकतें करता है बच्चा? मेरा मेरा सबसे सुपर स्पेशलाइजेशन है ऑटिज्म में और ADHD में, हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रन में. ओके. तो अवेयरनेस लोगों में अब बहुत है, डिप्रेशन और ये सब पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ है अब. सो पेरेंट्स को बहुत अवेयरनेस है. और मैं सिर्फ लंदन के, आई मीन लंदन और UK के बच्चे नहीं देखती, पूरे वर्ल्ड के देखती हूँ, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, एवरीवेयर. सो या, दैट्स व्हाट आई डू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम जी. थैंक यू. सो मेरा मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं कम बोलूं. मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरा डॉग, मेरे हस्बैंड सारे परेशान हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ. तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं कम बोलूं, सो दैट मैं दूसरों को अपॉर्चुनिटी दे दूं घर में बोलने की. एंड ऑब्वियसली बाहर तो डिफरेंट ही है, बट घर में. आपको लगता है इसमें आप कामयाब होंगी? बस उम्मीद तो दुनिया कायम है. पर ये बहुत बड़ी बात है कि आपने रियलाइज किया. आपके हस्बैंड ने, नमस्कार कपिल जी. नमस्कार शिखर भाई. हेलो. आई एम बिग फैन ऑफ यूर्स एंड पृथ्वी डूइंग वेरी गुड जॉब. मेरा नाम राजेश है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ. अच्छा जी. और जैसे आपने बताया कि मेरा न्यू रेजोल्यूशन है इस साल का कि इनका जो रेजोल्यूशन है वो सक्सेस हो जाए. मेरी दुआएं आपके साथ हैं. थैंक यू एंड आई विश इट वर्क. अभी तो शुक्र है डॉक्टर हैं, घर से बाहर भी जाती हैं. तो आप लंदन में कहाँ रहते हैं आप? हम लंदन में, नॉर्थ लंदन, चिकवेल. ओह, वो जो बाएं मुड़ के. हाँ जी, हाँ जी. वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब. बड़ा मजा आया आपसे मिलके. शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त? या हेलो कपिल सर. हेलो सर. हेलो एवरीवन. हेलो, मैं सीए अमित बंसल सर, मथुरा से आए हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका सर. मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मुझे अपनी वाइफ का वेट कम करना है. क्यों कम करना है आपको? क्योंकि उनका वेट मेरे से ज्यादा है. अच्छा, हो सकता है आपका ही कम हो. पर मेरा बढ़ता नहीं है ना. आपका बढ़ता नहीं है? मेरा बढ़ता नहीं है तो उनका ही कम करा जाए, ये रेजोल्यूशन है. तो ये तो आप थोड़ी रेजोल्यूशन ले सकते हैं, वो तो वो लेंगी अगर लेंगी तो. आप कैसे कम करेंगे मेरे को बताओ? उनका डाइटिंग, उनका एक्सरसाइज, और दूसरा क्या है, उनकी रेस्ट्रिक्शन बहुत है मेरे खाने पे. तो आप ये इतनी सारी चीजें उनका ध्यान रखेंगे तो वो इनकम टैक्स रिटर्न जो अपने आपने ग्राहक पकड़े होंगे 31 मार्च भी आने वाली, वो कौन करेगा फिर? तो अच्छा पूरा. अच्छा, आपकी वाइफ साथ ही आई हुई है? यस सर. हेलो, हेलो जी, कैसी हैं आप? हेलो सर. इतनी तो प्यारी लग रही है, खा मखा आप ऐसे बोल रहे हैं. अच्छी लग रही है सर. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने के लिए, बहुत टेस्टी टेस्टी यम्मी खाना बनाती हूँ. बट वही है कि है ना, इनको कुछ खाना नहीं है और इनको लगता नहीं है खाना. अब जितना मैं खाती हूँ उतना ही ये खाते हैं. अब इनको नहीं लगता तो मेरी क्या प्रॉब्लम? एग्जैक्टली. और कुछ कहना भाई साहब? अब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो मेरा तो वैसे भी बोलना बंद बनता है. तो आप अगर उनकी बात ही नहीं काट सकते, वजन कैसे काटोगे? तो ये बता. Yes, sir. ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन नहीं लेते. ये तो रेवोल्यूशन कर दिया आपने. आपकी वाइफ को जो करना है वो खुद सोचेंगी. आपको अपने में क्या चेंज चाहिए वो बीवी को बता दो, वो करवा देगी. वो उनमें दैवी शक्ति होती है. आप तो भूल जाओ, आप अपने क्लाइंट्स पे ध्यान दो भाई साहब. हाँ, सबकी इनकम टैक्स रिटर्न आप टाइम पे भरवाओ. बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए. अबे मेरी एंट्री थी, मेरे को ही छोड़ के आ गए तुम लोग यहाँ पे. खैर एनीवे, हाय, कैसे आप लोग? बहुत
इसने पूछा ना कि हम लोग, अरे वेरी क्यूटी विरार से ना, विरार से मैं नाला सुपर से क्या बात है सपना, तूने बताया नहीं उन सबको क्यों लाई है साथ में? एक्चुअली हम लोग CCCI से हैं, क्यूट चीयर लीडर कमिटी ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय राजू ऑटो रिक्शा सर्विस एंड को पावर्ड बाय जहांगीर झटका मीट शॉप. खैर एनी वे, तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, हमको चीयर लीडर का जॉब लेने का ही लेने का है. ठीक है, नारे लगाओ, हमारी मांगे भर दो, भर दो. तुम्हारी यहाँ मैट्रिमोनियल से तेरी फूफी बैठी है, जो भर दो. और कितनी बार मांग भरवाएगी अपनी, 4 बार भरवा चुकी है, भरोली कहीं की. तेरे जैसी चीयर लीडर हो ना, हाँ, तो शिखर सारे छक्के तेरे मुंह पे मारे और बॉल ना भी आए बैट छोड़ के मारे तेरे मुंह पे. कितनी प्यारी लड़कियां लग रही हैं देख बीच में. चलो तुम लोग जाओ, मेरा और काम खराब करोगे. चलो तुम लोग पीछे. अरे जाना, ऐसे ऐसे क्या कर रही है? खैर क्या बात है, आज 2 सुपरस्टार लोग आए, एक बार जोरदार ताली हो जाए. वाह वाह वाह, कैसे आप? खैर मेरे को जानने का था सर, आप लोग दोनों ओपनर हैं तो आपकी टीम में ढक्कन कौन है? सपना तूने डिस्टर्ब कर रही है हम लोग, इतना अच्छा इंटरव्यू चल रहा था. अच्छा हाँ, अरे आप लोग इधर सज धज के इंटरव्यू कर रहे ले, उधर वो हरभजन पाजी ने संन्यास ले लिया है. आप लोग प्लीज उनके साथ कोई तो हिमालय पे जाओ, कौन उनको संभालेगा? अरे वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उन्होंने खाली क्रिकेट खेलना छोड़ा है. अच्छा तो हाँ? फिर अभी वो क्या खेलेंगे कपू? मुझे क्या पता. तब तेरे को कुछ भी नहीं पता तो इनका इंटरव्यू कैसे लेगा तू? कमाल करता है यार. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मैं जब भी इनको देखती हूँ ना, मेरा छावा है ना मुकेश, मेरे को उसकी बहुत याद आती है. वो भी इनकी तरह स्टाइल रखता है? नहीं नहीं, वो भी इनकी तरह जेंट्स है ना. खैर मेरे को एक और चीज पूछने की थी सर आपको, आपके टीम में वो भी है ना, वो लड़के का नाम है शार्दुल, शार्दुल ठाकुर. हाँ, तो उसकी और आपकी तो कभी भी नहीं जमती रहेगी ना सर. क्यों? अरे ये गब्बर है, वो ठाकुर है. सपना कोई काम की बात क्यों नहीं करती तू? हाँ मेरे को ना सर चीयर लीडर का जॉब दो ना मेरे को प्लीज. मेरे को कभी की है तूने चीयर लीडिंग? पैदा तो मैं औरत भी नहीं हुई थी, तूने मेरे को बनाया ना औरत. तूने आज तक कभी क्रिकेट खेला है सपना? अरे क्रिकेट खेला है, हमारा नाला सोपर में वो वुमेन क्रिकेट लीग है, ये देखो उसमें बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरा, 1 ओवर में 50 रन का रिकॉर्ड है. 1 ओवर में 50 रन को कैसे बना सकता है? हाँ. अरे जिसने बनाया अब उससे पूछ, मैं तो सिर्फ बॉलिंग कर रही थी. कमाल है ये भी ना बाबा. सपना तेरा बहुत हो गया, आप अब तू निकल यहाँ से. नहीं नहीं, मैं ऐसा मसाज के बिना तो जाऊंगी नहीं. हमारे पास आपके लिए सिक्सर मसाज है. इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है अर्चना जी, एक कस्टमर आता है. हाँ. फिर हम लोग कपड़ा उतर के तेल वेल लगाते हैं. हाँ. जैसे हम उसका मसाज चालू करते हैं ना, उसको ऐसा दौरा आने लगता है. फिर मैं उसको ग्लूकोज चढ़ाती है और फिर उसके मुंह में गोली डालती है. और जैसे डॉक्टर आता है, डॉक्टर पूछते हैं इसको क्या हुआ, मैं बोलती है ही इज सिक सर. खैर मैं चलती सर, मेरे जाने का टाइम है. बहुत सेलिब्रिटी लोग आते हैं मेरे पास इधर मसाज कराने. वो आपके वो आए थे महिला जयवर्धनी. अच्छा. हाँ तो वो जाते जाते ना अपनी महिला भूल गए. बाप रे, अब वो महिला मैं महिला रोज झगड़े हो रहे हमारे. और उनको वैसे भी ना उधर क्लब व्लिब में जाने का बहुत शौक है. हाँ तो क्लब में अभी उनकी क्या सोलो एंट्री हो नहीं रही क्योंकि महिला नहीं है ना साथ में. जाते जाते मैं एक चीज भूल गई कप्पू. क्या? ये लड़कियों ने मेरा आने के बाद मूड खराब कर दिया. क्यों? अरे मेरा डांस नहीं हुआ ना. पृथ्वी थैंक यू सो मच ब्रदर. शिखर पाजी लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. हमेशा ही मजा आता है और इस बार आप पृथ्वी को भी लेके आए साथ में, बहुत मजा आया. थैंक यू. और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी आपके आने वाले तमाम मैचेस के लिए. आप ऐसे अच्छा अच्छा खेलते रहो, हमारे देश का नाम रोशन करते रहो. लव यू बोथ. थैंक यू कपिल. थैंक यू. दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड से सतर्क रहना बहुत जरूरी है. अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं
और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हर घर दस्तक के द्वारा भी बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस नए वेरिएंट से सतर्क रहें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, बाजारों में भीड़ ना करें, सुरक्षित रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।